बछड़ा की मोती। बेटा परेशान मत रहा, खुशबू के था अबहिन बचपना बा। अम्मी यह परेशानी तो हमके परेशान कर ले बा कि खुशबू अभिन बच्ची है तो ओकरा दिमाग में ऐसा ख्याल कहाँ से आवेला। बेटा यही मारे तो कहत है। नहीं अम्मी हमके तो पूरा यकीन बा कि केहू ना केहू ऐसा जरूर बा कि खुशबू के दिलो दिमाग में नफरत का जहर बोल रहा बा। ऐसा बात ना बा बेटा, ये तुहार गलत फहमी है। गलत फहमी ना सच्चाई है, हमार यकीन माना। और कल ही आप भी देख ली खुशबू का रवैया और पागलपन। गौर करी अम्मी गौर करी, बेशक खुशबू अल्फाज बोलित रहे लेकिन उकर मुंह से निकला लेके अल्फाज के गौर करे। सोची ना अम्मी जौन तरह से खुशबू अपन तहजीब भूल गए, बेअदबी से पेश आई। अम्मी क्यों ना क्यों तो जरूर बा जे खुशबू के भड़कावत बा। के केकरा भड़कावत बा अम्मी? अभी ये हमार पर्सनल मामला, तू बीच में दखलंदाजी ना देबू तो बेहतर होई। अरमान शबनम बड़ी अम्मी हम माफी चाहते हैं जौन आपके घर के मामला में बोल दे ली। अल्लाह झूठ ना बुलाए, वैसे तो हम ये घर के कबो पराया ना समझ ली, बाकी आप सब हमके पराया समझ ले तो कोनो बात नहीं। खैर आज के बाद हम आपके घर के मामला में कबो दखल अंदाजी ना करब। शबनम बेटा अरमान के बात के बुरा मत मानिया, तोरा के तो मालूम बा कि अरमान कौन हालात से गुजरत बा। अल्लाह झूठ ना बुलाए बड़ी अम्मी, हम इनकर बात की जरा भी बुरा ना मानीला। लेकिन बड़ी अम्मी यह अजीब इत्तेफाक बा, ये घर पे खुशी दस्तक देवे के पहले ही परेशानी के दरवाजा खुल जाला। हम तो यह सोच सोच के मरत जाते हैं कि अरमान के दूसर निकाह कैला के का फायदा। अरमान अकेला वहां नरगिस अकेले। खैर बड़ी अम्मी आज हम खीर बनौ ले रहली तो हम सोचनी कि खुशबू के जरा खिला दी, अगर आप सब चाहें तो हम खुशबू के जाके खिला दी। बुरा काहे मानम बेटी, जा दे। हाँ ते अम्मी आपके का ख्याल बा जौन हम आपसे कह ली। बेटा अल्लाह ताला जाने सच्चाई कहा, लेकिन तुहार बात सुन के हमके शक होत बा। अम्मी आपके शक होता लेकिन हमके पूरा यकीन बा कि केहू ना केहू जरूर बा जे ना चाहत हवा कि नरगिस ही घर में आई और खुशबू का अम्मी का जगह ले ले। अम्मी हमके ये पता लगावे के चाहिए कि वो के है जौन खुशबू के दिल में नफरत का जहर घोरत बा। तो ठीक कहा था वा बेटा, खुशबू बेटी। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम, कैसन हो? सब खैरियत है चाची। ये में का हा? ये में खीर है, घरे खातिर ले आई है।
खुशबू बेटी काल तो तू कमाल ही कर देलू। तुहारी ई रवैया देख के अब तुहार अबू नरगिस के ही घर में ख्वाब में भी ना लई है। शाबाश बेटी शाबाश। चाची हम तो उहे कहली जो आप कहली। खुशबू बेटी ईका क्या ले रही? कुछ नहीं मामी, वो चाची और हमार आपस के बाद बात। अच्छा चलो ला दूध पी लो। मामी चाची हमारे लिए खीर ले आई है, आप जाके रख दो, पहले हम खीर खाए बाद में दूध पी ले। ठीक बा। खाला का भेल आपके पैर में? कुछ ना। ला हम दबा दे। ना 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 रहे दा बैठ। खाला वैसे तो हम लोग बेवजह आप सब पर बोझ बना नहीं, कम से कम ई बाने सेवा तो कर नहीं। बिटिया ऐसा का सोचा था, हम तोहन लोग के बोझ ना समझीला। तोहन लोग भी तो हमार घर के सदस्य हुआ तब होता, आप हमके सेवा को मौका ना दिल चाहे नहीं। तो इतना कम करेलू जो नहीं घर के देखभाल करेलू, हमार देखभाल करेलू। बिटिया अल्लाह ताला तोके खुश रखे। खाला अब तो हमके वो दिन का इंतजार बा जब नरगिस ये घर में वापस आ जाए। हाँ बिटिया हम तो यही चाहते, लेकिन घर के माहौल ऐसन बिगड़ल हा कि समझ में नहीं आवत कि हम का करी। अरमान कहत रहलन कि केहू खुशबू के भड़कावत बा, तबे ऐसन हरकत कर दिया। तू अपन मामी के बात से जरी को ध्यान मत दिया, तो हरा के उल्टा पटी पटा दिया। ये जो कुछ भी कह दिया ना सब किताबी बात है, कहीं सबके पीछे शबनम के हाथ तो ना बा? जबले ही पता ना लग जाए तब तक चुप रहने में ही भलाई बा। क्या बात वहा हो? अरे ये खूबसूरत चेहरा पे उदासी के बादल काहे छाने बा? देखो तू चुपचाप रहे लू ना तो नीक ना लागेल।
ओहो, आपके तो मस्ती सुजल बा, यहाँ घर में सब परेशान हो। का है? का भाई? और ऐसे का है देखत? देखत ना है, बल्कि कुछ बतावल चाहत रहे। तो बतावा ना, का बात है? बोला। हमके ये बात पे शक है कि ये घर में जोन कुछ भी होता ना, वो सबके पीछे शबनम के हाथ। शबनम? ये तो कैसे कर सके? और हाँ, जब तक कोनो सबूत ना मिले केहू पे इल्जाम ना लगावे के चाहिए। हम इल्जाम ना लगावत है, हम अपने कान से सुन ली। अच्छा? खुशबू शबनम से कहत रहल कि चाची हम वही कहली जो आप कहली। अच्छा, और का सुन लो? बस कितना सुन ली? यानी शबनम खुशबू के भड़कावत दिया और खुशबू उहे करत दिया जे शबनम चाह दिया। हाँ, ये हो सकेला, कहे से शबनम के कोनो भरोसा नहीं थे। और शबनम ये भी चाह दिया कि नरगिस ये घर में वापस ना आवे। आप बिल्कुल ठीक कह ले। चुप! खबरदार, फिर कबहू जवान खोल लू तो ठीक ना होई। अरे बेवकूफ औरत, तू ये घर में झगड़ा लगावे के चाहता हूँ? और हाँ, कान लगा के इहर उहर के बात छुप छुप के सुनल बंद करो, तारा के एक दिन बहुत महंगा पड़ी। बुझाइल? जब देखा तब खाली। कहीं जाते हो का? हाँ, सिकरी गंज जाते हैं। चला, हम तोरा के छोड़ देते हैं। रह दी, हम खुद ही चल जाएं। काय? हमारा साथ गईला में कोनो परेशानी है का? ताका, साथ है गईला कोनो जरूरी है का? देखा, हम तोहार शौहर हैं। अब इतना ध्यान रखला तो जरूरी होला ना? हम अपन ख्याल रखा खुद जानी ले। अल्लाह ताला हमके दो दो हाथ पाँव दे ले हमें। एकर मतलब तो अपन मर्जी से आई बुझाइबू? हाँ, अल्लाह झूठ ना बुलाए, हम तक तंग आ गए आपके सवाल सुन सुन के। यानी हम तुम्हारे लिए पला है, परेशानी है? अल्लाह झूठ ना बुलाए, आपके जवन समझे के बा तवन समझी, बाकी हमके टोकल मत करी कि हम कहाँ आईला कहाँ जाईला। एकर मतलब तो अपन मन मर्जी के करबू और हम चुप रही? अल्लाह झूठ ना बुलाए, अब तो हम पे शक करी ले, बाकी हम कह देते हैं कि चिराग लेके भी ढूंढ ले तो हमरे जैसन बीबी ना ही पाए। अच्छा, तब हमके इहो करे के पड़ी का? हम जान सकीला कि तोरा में ऐसन कौन सी अच्छाई है? अल्लाह झूठ ना बुलाए, तब बताई हमरा में खराबी का है? तो बस तब बातें करमो बेकार। या अल्लाह, केहू के ऐसन शोहर ना देवे। नहीं, 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 नही
अम्मी जान के बहू बन के सेवा ना कर पाऊंगी और खुशबू बेटी के दिल ना जी पाऊंगी। ओ मासूम बच्ची, हम क्या अपन दुश्मन समझे? ये हमारे कसूर ना तो कहा हेलो नरगिस आप चुप काहे हैं नरगिस? हमसे जौन भी खता भइल है, हम माफी चाहते हैं। आप हमसे माफी मंगी हैं तो अल्लाह ताला हमके कबो माफ ना करी है और एमे गलती आपके ना है। ये फैसला तो हम दोनों जन के रहल ना कि जब तक खुशबू हमके अपन अम्मी के जगह जरूर अपना ली। नरगिस तू ही ना जाने लो कि केहू जरूर बा जे हमार खुशबू के मासूम दिल में नफरत के बीज बोवत बा। आखिर के हो सकेला वो केहू भी होई, हम जल्दी पता लगा लेंगे।